हाँ भाई, गार्गल कैसे किया जाता है, गार्गल है क्या, लेकिन मुझे इसको जानना है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और खास तौर पर तिब्बी यूनानी के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है, इसका क्या किरदार है इलाज मुआलजे में। तो गार्गल क्या है? गार्गल इज ए प्रोसेस इन विच वी यूज द लिक्विड प्रिपरेशन, इट हेल्प इन द क्लींजिंग द बैक्टीरियल कैविटी, बकल कैविटी एंड किल्स ऑल द बैक्टीरिया ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। यानी ये इलाज भी तदबीर का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके में नीम गर्म पानी या अद्वियाती महलूल को, जो दवा का जो महलूल हो, अगर कोई मेडिसिन की वजह से, जैसे खास तौर पर जो वर्मेलेसा वगैरह का केस होता है, तो उसके अंदर जो अमरूद का पत्ता है उसको पानी में गर्म कर करके और उससे हम लोग गार्गलिंग करवाते हैं। या जो टॉन्सिलाइटिस का केस है, उस टॉन्सिलाइटिस केस में जो शहतूत है, शहतूत के फल और उसके पत्ते को नीम गर्म, उसको उसका जो शांदा यानी पानी में उबाल कर करके और उसके पानी से करते हैं, जो टॉन्सिल को कम करता है, उसके सूजन को कम करता है। तो उसको असल में अंदरूनी दहन मुंह के अंदर लेकर इस अमल को किया जाता है, उसी को गार्गल कहते हैं, गरारा कहते हैं। यानी इलाज भी तदबीर का एक ऐसा अमल जिसमें नीम गर्म या सादा पानी, दोनों कंडीशन है, नीम गर्म पानी भी हो सकती है और सादा पानी भी हो सकता है या अद्वियाती पानी भी हो सकता है, उसको महलूल को मुंह के अंदर लेकर के हलक तक ले जाकर करके इस अमल को जब हम करते हैं तो उसको गार्गल या गरारा के नाम से जानते हैं। यानी वर्मेलेसा जो मसूड़ा होता है उसके अंदर आता खलाउल अस्नान यानी कैविटी ऑफ द टीथ, यानी टीथ की जो कैविटी है अगर वो टूट गया है या कहीं पे होल हो गया है, उसकी वजह से कैविटी अगर बन गई है और वहां पर पेन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और बिलखुसूस जो वर्मेलोजेबैन है, टॉन्सिलाइटिस का केस है, उस टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर सा है। यानी पानी सर, को बोल रहे हैं? इफ्तिखार अहमद, अच्छा, किस बैच से हैं? 17 बैच। 17 वर्ष जी, बोलिए। तो वो सर, ये मैं बेटाडीन वगैरह का माउथ वॉश वो पानी में, गर्म पानी में डाल करके गरारा करते रहते हैं, ठीक है? तो जी सर ये मतलब कितना कितना इफेक्टिव है ये सर? देखिए, वो तो एंटीबैक्टीरियल है ना, आप बीटाडीन एंटीबैक्टीरियल है, ये जो इस्तेमाल करते हैं, जो गरारा हम कराते हैं यूनानी तरीके इलाज से, तो इसके जरिए तो हर से ही इलाज होता है। इसके अंदर तो यस सर, कोई भी केमिकल से इस्तेमाल हम नहीं करते हैं ना, चाहे यस वो अद्विया का मामला हो, खाने की दवाएं हो या लगाने की दवा हो। यानी ये फुल्ली द यूनानी सिस्टम इज फुल्ली डिपेंड ऑन द हर्बल सिस्टम, हर्ब्स पे। यहाँ पे हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सर, इस तरीके का सिर्फ वो क्या माउथ वॉश आया हुआ है, माउथ वॉश से हम कर रहे हैं, बीटाडीन तो अलग सी चीज है, माउथ वॉश है, उस माउथ वॉश का फ्यू ड्रॉप्स जब हम अगर ल्यूक वार्म वाटर में डालते हैं और इस कंडीशन में, जो कंडीशन हमने बताया कि इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ गम हो या स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट हो या कैविटी ऑफ द टीथ हो, टॉन्सिलाइटिस हो, तो इन सारे केसों में हम जहाँ पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पर ओरली हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई मजाक नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक प्रोसेस है यूनानी का, अब हम ऐसी जगह पे अवेलेबल वहां पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सारी सहूलत हमारे पास नहीं है, रात का वक्त हो रहा है, अब वैसे कंडीशन में अगर कोई
पेशेंट आपके पास आ रहा हो या आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो कि आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं है, आपके पास वो केमिकल्स भी नहीं है जिससे आप गार्गल करें, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? जाहिर है कि वहां पर मुझे तो हर जगह पर दस्तयाब हो जाता है बहुत आसानी से, तो वहां पे आप गार्गल करेंगे। गार्गल का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये चीज जो गरारा है तो यूनानी का ही, मॉडर्न में तो अब इसको लिया है ना, ये तो पुरानी चीज है, ये पहले तो यूनानी ही से ये चीज आई है। अगर बीटाडीन से कर रहे हैं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है, असल में वो मेडिसिन का मामला नहीं है, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है यानी हम पानी को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, हम उस जो वाटर जो गरारा करते हैं उसके अंदर चाहे वो अदविया का महलूल हो या फिर सिंपल नॉर्मल पानी हो, तो उस पानी को हम बकल कैविटी में से लेकर के अगर हम थ्रोट तक ले जाते हैं यानी टॉन्सिल का जो एरिया है वहां से अगर हम ले जा रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वही तो असल गार्गल है, गरारा उसी को तो कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी बताने का मेरा मकसद है वो गार्गल है कि गार्गल का जो प्रोसेस है वो क्या है तिब्बे यूनानी के द्वार से, उसमें क्या क्या, ठीक है इफ्तिखार? यस सर। अभी टाइम बाकी है ना सर? यस सर, 15 मिनट बाकी है अभी। जी जी, एक दूसरी चीज और हम चाहेंगे बता दें, भी सिंपल सा है, बहुत सा है, पाशोया बहुत कॉमन है, जो पुराने लोग पहले कहते भी हैं पाशोया का इस्तेमाल वो लोग करते भी थे, हमारे यहाँ बहरहाल एक फन की हैसियत से है ये पाशोया, पाशोया कैसे करते फुटबाथ जिसको हम करते हैं, है ना? तो फुटबाथ क्या है? फुटबाथ इज ऑल्सो ए प्रोसेस इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन for the cleansing, the warming, the soothing and disinfecting the feet. This is foot bath. इसका जो इस्तेमाल करते हैं वो न्यूरल डिजीज में करते हैं और मेनिनजाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो इपिलेप्सी का केस होता है उसमें भी हम इस पाशोया का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह का बात है, नाम ही है इसका पाशोया, पा असल में कहते हैं पैर को, पर्शियन का वर्ड है ये पाशोया, है ना? तो चूंकि वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक ऐसा जिस पर पैर और पंजों में पानी को डुबोकर आधा घंटा तक असल में रखा जाता है। सर एक दो लोग और वेटिंग में है। जी, तो ये पाशोया के बारे में बता रहे थे, जैसे पाशोया के बारे में बता रहे थे कि ये तिब्बी यूनानी का एक ऐसा तरीकेकार है जिसके अंदर मरीजों के पैर को और उसके पंजों को पानी में डुबो करके तकरीबन 30 मिनट तक रखा जाता है, यानी 15 से 20 मिनट 30 मिनट एक एवरेज इसका बताया गया है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर जैसा हो उस हिसाब से। तो इसका इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ करते हैं? आसाबी अमराज में करते हैं या शदीद बुखार की हालत में करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर बुखार की कैफियत हो तो वैसे कंडीशन में करते हैं, जहनी तनाव में करते हैं, और अगर मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ गया हो, सलाबत की कैफियत पैदा हो गई हो, तो उसमें इसका करते हैं। इसका चलन असल में आजकल बहुत ज़्यादा है भी, बहुत ज्यादा इसको करते हैं, क्योंकि आदमी इतना दिन रात की थकावट की वजह से इतना टायर्ड हो जाता है कि उसको नींद की कमी हो जाती है, इंसोमिया का केस हो जाता है, तो इसके लिए भी हम लोग देखते हैं घर पे कि एक टब में पानी गर्म कर करके और उसके अंदर दोनों पैर को पंजों तक उसके अंदर हम रखते हैं। तो ये दरअसल क्या है? फुट बाथ है, पाशोया है, खासतौर पर जो खिलाड़ी और जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं अपने यहाँ के, जनरली जो हर जगह के वो करते हैं, या जो ये होते हैं ऐसे अफराद
जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और बहुत ज्यादा ऑफिशियली वर्क करते हैं, तो इसको बाधापता इसकी अब मार्केटिंग होने लगी है। हेलो 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 जी सर, आवाज आ रही है? तो ये पाशोया समझ में आई आप लोगों के? आया समझ में पाशोया क्या है? इसमें कुछ कंफ्यूजन है पाशोया को समझने में? सर ये एक बार और फिर बता देते जरा, ये अच्छे से। देखिए ये दो तीन चीज, अच्छा फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक हमने बताया था अभी सिड्स बाथ के बारे में, गार्गल के बारे में, फुट बाथ के बारे में या वेपोराइजेशन। चूंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा चैप्टर ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा इस पर हम लोग डिस्कशन करें। सिर्फ एक प्रोसेस है और चूंकि यूनानी का प्रोसेस है इसलिए हम लोगों को इसमें हम लोगों को इसको जानना चाहिए ये प्रोसेस क्या है। तो जैसे सिड्स बाथ के बारे में बताया था कि सिड्स बाथ के लिए कहाँ पर किस एरिया को करते हैं हम लोग, ये जो हमारा उज़्वे तनासुलिया का जो हलका है वहां पे करिए। हम सिड्स बाथ की बात बताएं ताकि सब क्लियर होता चला जाए। तो जो सिड्स बाथ करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? उज़्वे तनासुलिया का जो हिस्सा है, चाहे ख्वाब औरतों का हो या मर्दों का हो, जब उस हिस्से को हम पानी के अंदर बाथिंग के लिए रखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिड्स बाथ। दूसरा है गरारा, एकदम सेम चीज इसके अंदर भी है, पानी इसके अंदर भी ल्यूक वार्म वाटर करते हैं, लेकिन इसका जो एरिया है वो बकल कैविटी टू द अपर पोर्शन ऑफ थ्रोट, यानी मुंह से लेकर के जो टॉन्सिल का जो हिस्सा जहाँ पे है, जहाँ के बाद वो पानी फिर ठहर नहीं पाएगा, वो अंदर चला जाता है। तो उस एरिया का जो एरिया है, अगर वहां पे हम ल्यूक वार्म वाटर से बार बार अगर हम रिपीटेशन करते हैं उस वाटर को वहां पे, चाहे वो मेडिकेटेड वाटर हो या नॉन मेडिकेटेड सिंपल वाटर हो, तो उसको हम गरारा कहते हैं या गार्गल कहते हैं। तीसरे नंबर में हमने बताया था पाशोया। पाशोया ये पर्शियन का वर्ड है, पा के मान ही है पैर, और जो मेडिकल टर्म में जिसको फुट बाथ कहते हैं, ये इसके अंदर क्या करते हैं कि ये जो मरीजों का जो पैर है और जो पंजा है, यानी पैर और ये पंजा, इस हिस्से को जब हम पानी में यानी ल्यूक वार्म वाटर में डुबो कर करके 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट नो लिमिटेशन ऑफ टाइम, जनरली जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाए उस वक्त तक रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं तिब्बे यूनानी में पाशोया। ये तीन चीज है हमने अभी बताई, और इन तीनों चीजों का इंडिकेशन हमने बताया कि इन चीजों का हम कहाँ पे करेंगे। अब अभी चूंकि पाशोया के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पे असल में दो तरह का हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक वो है जो हम करते हैं इस्तेमाल इसको अमराज़े हार में, और दूसरा करते हैं अमराज़े बारिद में। जो इसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उस एतबार से हम बता रहे हैं कि अब हमको ये देखना है कि अगर अमराज़े हार की वजह से ये कंडीशन उसकी हो रही है वहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में जो मफरद अदविया है वो अलग होगी, और अमराज़े बारिद में जो मफरद अदविया है वो अलग होगी। तो अमराज़े हार के अंदर जो मफरद अदविया है उसमें जैसे क्या होगा, गुले बनफशा है, गुले खत्मी है, नीलूफर है, बड़गे किनार है। तो ये जो मेडिसिन है ये अमराज़े हार में उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसका जो डायग्नोस है वो तो बहरहाल उस तबीब को, उस फिजिशियंस को करना है कि ये जो मर्ज है ये अमराज़े हार में आता है या अमराज़े बारिद में आता है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे या गालिबन फाइनल में पढ़ेंगे, ये मुझे इल्म नहीं है कि आप पढ़ चुके हैं या फाइनल में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों का इस्तेमाल मेडिसिन का हम उस एतबार से करेंगे तब खातिर खा फायदा होगा। अब अगर अमराज़े बारिद है तो वहाँ पे गुले बाबूना का इस्तेमाल करेंगे, गुले जूफा का इस्तेमाल करेंगे, जो कॉमन साल्ट होता है आमतौर पर जो घर में इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, चौपचीनी
का इस्तेमाल करेंगे, उष्मा का इस्तेमाल करेंगे और अमराज बारिद के अंदर। तो अगर पाशोया फुटबाथ हमको करना है तो उसको देख लेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन उसमें है कि नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई कट मार से यानी कहीं कटा वटा या कुचला हुआ तो नहीं है, इन सब चीजों को अब इसमें देखेंगे। आज तौर पर जो इपिलेप्सी के केस में या मेनिनजाइटिस के केस में बारिद में आता है या हार में आता है, अगर ये हार में आता है तब वैसी सूरत में जो दवाएं अभी हमने बताई है जैसे गुले बनफशा बताया, गुले खत्मी, नीलूफर है ना, तो इस तरह का इस तरह की दवा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर अमराज बारिद में है तब वैसी सूरत में गुले बाबूना, गुले जूफा, नमक ताम, जो कॉमन साल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, चौपचीनी, उष्बा, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे जो इसके जो उस मसल्स के स्टिफनेस को भी दूर करेगा। और ख़ास तौर पर जो आसाबी अमराज हैं यानी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है उस कंडीशन में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। और अब तो इसकी बाज़ाब्ता मार्केटिंग होने लगी, उसी तरीके से इन चीज़ों के लिए खासतौर पर फुटबाथ के लिए अलग अलग मार्केट बनी हुई है जहाँ पे लोग शॉप में जा करके अच्छी खासी रकम दे करके वहाँ पे इसको करवाते हैं। खासतौर पे जो चूँकि बहरहाल पैसे का इसमें खर्च है तो आम आदमी तो नहीं जाता है, लेकिन जितनी भी फिल्मी अदाकार हैं या फिर जो प्लेयर्स हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े ऑफिसर्स हैं तो और बड़े शहरों में रहते हैं तो उनके लिए ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो जाते हैं, उनका टायर्डनेस भी इससे दूर हो जाता है और जो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस वगैरह वहाँ पे होती है वो सब उनकी दूर हो जाती है, उनको सुकून मिल जाता है और वो आसानी से फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो ये तीन प्रोसेस टेक्निक है, एक टेक्निक है बाज़ाब्ता, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जिसको एकदम बाज़ाब्ता प्रोसेस का नाम दे, तो एक टेक्निक है तिब्बी यूनानी की जिसको फुटबाथ के नाम से यानी पाशोया के नाम से, गरारा के नाम से और आबजन के नाम से जानते हैं और इसका इस्तेमाल हम करते हैं इसके अंदर। समझ में आ रही बात आपके? यस सर। या और कुछ पूछना है इसमें? नहीं। तो उसमें एक चीज है जैसे बहुत सारी चीज मैंने बताई वो छोटी, उसे तिला तिला पढ़ना है आप लोगों को है ना, लख लखा एक चीज पढ़ी है इनहेलेशन, तो इस तरीके का जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उन सारी चीजों को हम फिर इंशाल्लाह कल ही, बल्कि कल ही हम उसको कर देंगे अगर कल कहें या फिर जब हो तो उसको कर लेंगे, ताकि अगर इस तरह के असल में दो व्यू से पढ़ना है, एक तो नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए। तो इस तरह की जो जो चीज़ें जो अभी टेक्निक मैंने बताई है इसके नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता है और उस नोट्स के लिए बहरहाल उसका बेस आपको मालूम होना चाहिए, तो ये चीज बहरहाल आना चाहिए आपके ध्यान में। यहाँ पर ये भी एक टेक्निक है यूनानी का जो यूनानी के अंदर है और इसमें ये होता है, ये इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों को आप हजरात के ध्यान में रखनी होगी। एक चीज, दूसरी चीज़ अब हम ये जानना चाह रहे थे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाद इन्होंने बिल्कुल रेगुलर क्लासेस किया है, अगर नदीम सुन रहे हो और कैफ तो हम उससे कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ लिया है